वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल माई शिखा सो आज का जो ब्लॉग होगा इट का सिंपल एट होम ब्लॉग आज मैं आप लोगों के साथ एक किचन टिप शेयर करूंगी जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए स्पेशली इन दिस विंटर सीजन एंड ऑल्सो एक डी आई वाई आइडिया भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सो so, सबसे पहले चलते हैं किचन में एंड ब्रेकफास्ट बनाते हैं एंड लेट्स दिस ब्लॉग सो so गाइज़ मैं आज आ, आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँगी तो मुझे एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि आप इनर्जेटिक कैसे रहते हैं आप मोटिवेटेड कैसे रहती हैं आपको स्ट्रेस नहीं होता वी आर फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स इन लॉस के साथ रिलेशन्स अच्छे नहीं हैं हम डिप्रेशन में हैं हम पॉजिटिव कैसे रहें uh, तो इन्हीं टॉपिक के ऊपर मुझे लगा बात करनी चाहिए बिकॉज़ ये एक सीरियस मैटर है तो सबके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं मैं भी एक इंसान हूँ लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं चलती उसे स्मूथ और हैप्पी बनाना पड़ता है तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊँगी अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ जो मैंने लेसन्स सीखे हैं और मैंने इन हैबिट्स को अडाप्ट किया एंड मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए तो लेट्स सबसे पहला पॉइंट है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल अगर आपको लगता है ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ऑब्जर्व करें कि ये दूसरे लोगों के बारे में क्या कमेंट्स करते हैं अच्छा बोलते हैं बुरा बोलते हैं या हर वक्त ही उनके बारे में बुराइयाँ करते रहते हैं आई एम डैम श्योर जो इंसान आपके सामने दूसरों की बुराइयाँ कर रहा है वो आपकी भी पीठ पीछे बुराई करेगा तो अगर आपको लगता है ये इंसान बिल्कुल सही नहीं है अपनी अपनी कंपनी में अच्छे लोग रखें दोस्त एक या दो ही अच्छे होते हैं मेरे एक या दो ही अच्छे फ्रेंड्स हैं बट बेस्ट रखें जो आपका साथ दे हमेशा और आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए ना कि हर वक्त आपको कोसते रहें आपकी बुराइयाँ करते रहें ट्राई दिस नेक्स्ट पॉइंट इज़ वीकअप अर्ली इन द मॉर्निंग गो फॉर वॉक एंड स्पेंड टाइम विद नेचर सच में जल्दी उठने से एक तो काफ़ी टाइम मिलता है ख़ुद के लिए भी और बाकी कामों के लिए भी एंड लेट उठने से काफ़ी मूड ख़राब भी होता है एंड पूरा दिन निकल भी जाता है पता भी नहीं चलता तो कुछ हो भी नहीं पाता है सो so आप ये चीज़ करें दूसरा आप वॉक पे निकलें जब भी आपको लगता है मूड ख़राब है स्ट्रेस है या इसको आप अपनी रूटीन पर बना लें आप जब वन वीक ये कर कर देखेंगे ना ट्रस्ट में आपको इतना अच्छा लगेगा और फ्रेश फ़ील होगा और आप में एक पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे क्योंकि एक तो आपका मूड बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा आप फ्रेश फ़ील करेंगे अच्छा फ़ील करेंगे नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आप में और एक पॉजिटिविटी आएगी बस उस जगह को छोड़ दें और बाहर निकलें वॉक uh, करने से आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है ट्रस्ट मी जब आप ये करना स्टार्ट करेंगे यू विल लिटरली थैंक मी आप इसे रूटीन में बनाएं जल्दी उठ कर टाइम निकालें आप में एक बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉरगेट योर पास्ट हम लोग क्या करते हैं कि हम ना बार बार एक ही चीज़ को सोचते रहते हैं अतीत में घूमते रहते हैं लेकिन वो टाइम तो चला गया बीत गया हमेशा दुख में रहेंगे कि हाय मेरे साथ ये हो गया वो हो गया बट आपके सामने प्रेजेंट है और फ्यूचर है तो पास्ट को आप भूल जाएं आप जब तक दुख को नहीं छोड़ोगे दुख आपको कैसे छोड़ेगा किसी भी चीज़ को पावर तब मिलती है जब हम उसको देते हैं तो बेहतर यही है भूल जाएं अतीत का बोझ अपने दिल से निकाल दें जो टाइम निकल गया वो निकल गया वो वापस नहीं आना सो हो सके सो आपके पास बहुत बड़ा गिफ्ट है आज तो आज को जियें और कल अच्छा करें सो so, अगला जो पॉइंट है दैट इज़ डोंट वरी व्हाट अदर्स पीपल विल थिंक हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं ये सोच सोच के कि अरे अगर मैंने ये काम कर लिया तो वो क्या सोचेंगे अगर मैंने ये पहन लिया तो व्हाट माई इन लॉज विल थिंक माई फ्रेंड्स इन फैमिली विल थिंक अगर मैंने ये स्टार्ट कर दिया तो वाट पीपल विल थिंक डोंट डू दिस मैंने भी ये गलती की थी अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हो बल्कि वो आज से ही आप शुरू करें पहली सीढ़ी चढ़ने में मुश्किल आती है रुकावटें आती हैं लेकिन बाद में सब कुछ ईजी लगने लगता है अच्छा लगने लगता है आपको अपने हार्डवर्क का फ्रूट ज़रूर मिलता है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अगर आप लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो आप ज़रूर करें जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वो आपको अपने लिए ज़रूर करनी चाहिए बिकॉज़ हमारे पास लाइफ एक ही है बार बार हमें ज़िंदगी नहीं मिलती तो ये चीज़ मैंने सीखी है ज़िंदगी स्मूथ नहीं चलती है ज़िंदगी को स्मूथ बनाना पड़ता है हैप्पी बनाना पड़ता है और ज़िंदगी की डोर आपके हाथ में होती है किसी और के हाथ में नहीं देनी चाहिए फ्रीडम आपके पास होनी चाहिए किसी और के हाथ में नहीं तो आपकी ज़िंदगी आपकी है किसी और की नहीं तो आप उसको अपने हिसाब से चलें विदाउट हर्टिंग एनी एंड विदाउट क्रॉसिंग योर लिमिट डोंट ओवर थिंक जब आप ये सोचना बंद कर देंगे कि बोलो क्या सोचेंगे तो देखना आपकी ज़िंदगी में कितने अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और आप खुश रहने लगेंगे एंड यकीन माने आपको बहुत लाइट फील होगा ये लाइफ आपको धीरे धीरे सिखाती है अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं आज से ही शुरू करें लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो बोल कर निकल जाते हैं बट फर्क पड़ेगा आपको तो जिंदगी को जिए, अच्छे से जिए, स्ट्रेस फ्री रहें देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु इज़ अनहैप्पी फ्राम यू तो इसलिए ये सारी चीज़ें सोचना बंद कर दें आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं ये चीज़ें सोच कर इंस्टेंट आप अपना टाइम वहाँ लगाएं जो आपको बेनिफिट देगा लाइफ में आपको खुशी देगा तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई करें नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक तो अपना कर्मा आप क्लीन रखें और दूसरा डोंट आर्ग्यू विद एनीबडी अगर आपकी किसी के साथ भी फ़ाइट हो जाती है आर्ग्यूमेंट हो जाती है अपनी फैमिली के साथ हस्बैंड के साथ या इन लॉज के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस है फाइट करने से सिचुएशन और हीटअप हो जाती है इम्पल्स रिएक्शंस आ जाते हैं गुस्से में हम कुछ भी एक दूसरे को बोल देते हैं जिससे चीज़ें और बिगड़ने लगती हैं आई थिंक को अपना माइंड इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि जब कोई आपके साथ फ़ाइट करे आर्ग्यूमेंट करे आप चुप हो जाएं। आगे वाला अगर चुप नहीं हो रहा तो नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है दैट इज़ लव योर सेल्फ जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे आप दूसरों को प्यार कैसे दोगे और ख़ुद में पॉजिटिविटी कैसे लेकर आओगे खुद अपने आप को खुश नहीं रखोगे तो अपनी फैमिली और अपने बच्चों को कैसे खुश रखोगे सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लव योर तो जब भी आप स्ट्रेस में हो ना हमेशा आप वो चीज़ें करें जो आपको हैप्पी फ़ील कराती हैं जैसे मैं शॉपिंग पे चली जाती हूँ या फिर मैं अपना कोई फेवरेट सीरीज़ देख लेती हूँ नेटफ्लिक्स पे या कोई पाकिस्तानी सीरीज़ देख लेती हूँ अकेले भी अगर मुझे जाना पड़े तो मैं अकेले भी चली जाती हूँ बिकॉज जब मैं स्ट्रेस में हूँ तो मुझे अकेला रहना पसंद है लेकिन अकेला रहना नहीं चाहिए क्योंकि आप बार बार वही नेगेटिव चीज़ें सोचते रहते हो तो इसलिए वॉट आई डू आई गो फॉर शॉपिंग मैं अकेले ही चली जाती हूँ तो या फिर मैं स्किन केयर कर लेती हूँ या कोई डी कर लेती हूँ तो ये सारी चीजें मेरा ना माइंड डाइवर्ट करती हैं तो इसलिए मैं आप लोगों को भी ये सलाह दूंगी कि अपने आप से पहले प्यार करें आपको जो अच्छा लगता है वो चीजें करें जब आप स्ट्रेस में रहते हो तो अपने आप को ना पॉजिटिव रखने की कोशिश किया करें तो जब भी अब आप अपसेट हो स्ट्रेस में हो तो ये मेरे सारे पॉइंट्स को आप याद रखें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें देखिए आपकी लाइफ में कितने अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे सो गाइस अभी दीदी और मैं किचन में क्लीनिंग कर रहे थे एंड हमें मिली कुछ ये ग्लास की बॉटल्स जिसे हमें डिस्कार करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था सो वॉट एम यो डू इज़ हम इसे री करने का सोच रहे हैं लेकिन उससे पहले मैं करूँगी इसके ऊपर पेंटिंग अगर आपके घर में भी ऐसे कुछ ग्लास की बॉटल्स हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप उनको डी कर सकते हो और री कर सकते हो लेट्स ही हम इसे डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे या फिर किचन में आ, शुगर या सॉल्ट के लिए इसे यूज़ करेंगे एज अ कंटेनर तो लेट्स ही तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने कलर्स लिए एंड एक मैथ स्टिक ले ली मैथ स्टिक की हेल्प से मैं येलो कलर से डॉट्स बनाऊंगी मैं डेजी फ्लावर्स बना रही हूँ तो कुछ ऐसे मैं डॉट्स बना दूँगी पूरी बॉटल पे तो मैंने जीरो साइज का ब्रश लिया जो कि कलर्स के साथ ही आया था अब मैं व्हाइट कलर से इसके पेटल्स बना रही हूँ कुछ हल्के हाथों से स्ट्रोक्स मेथड में तो बोला इट्स डन इट्स कम्प्लीट बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है सुंदर लग रहा है एंड मैंने ढक्कन पे भी इसके सेम डिज़ाइन बना दिया तो आई एम गोना यूज इट फॉर डेकोरेशन तो यहाँ मैं डिनर में प्रिपेयर कर रही हूँ चिकन करी तो सबसे पहले मैंने मैरिनेशन के लिए आ, वन टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला एक चम्मच मैंने रेड चिल्ली का पेस्ट डाला इसमें मेरे पास ऑलरेडी ये पड़ी हुई थी एंड देन मैंने इसमें तीन चार चम्मच दही डाला देन मैं इसमें डाल रही हूँ एक पैकेट मीट मसाला एक चम्मच नमक एक चम्मच धनिया पाउडर जीरा पाउडर एंड देन मैं इसको अच्छे से मिक्स uh, करूंगी और इसको मैं एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी एंड देन मैंने अब मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया अच्छे से अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून जीरा एक बड़ी इलायची दो छोटी इलायची जिंजर गार्लिक एंड मिर्ची का पेस्ट तेन चॉप्ड अनियंस इनको मैं अच्छे से सॉटे करूंगी एंड देन अब मैंने इसमें डाल दिया तीन से चार टमाटर का पेस्ट तीन से चार करी पत्ता डाल रही हूँ बिकॉज हमें इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एंड देन अब मैं इसमें ऐड करूंगी मसाले जिसमें मैंने हाफ टेबल स्पून डाला हल्दी हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ इसमें रेड चिली पाउडर धनिया पाउडर जीरा पाउडर जो मैरिनेशन के पाउडर्स थे वो मैं सारे इसमें ऐड कर रही हूँ बस नमक का ध्यान रखना है क्योंकि नमक मैंने उसमें भी डाला हुआ है एंड देन कलर देने के लिए मेरे पास यहाँ पे रेड पेपरी का पाउडर था उसको मैंने पानी में पहले थोड़ी देर रख दिया ताकि वो अच्छे से फूल जाए अब बस मैंने उसको तड़के में डाल दिया एंड अच्छे से मिक्स करूँगी एंड अब थोड़ी देर तक दे एंड देखें कितना अच्छा कलर आ गया इसमें। है इसमें ये बिल्कुल सेफ़ है यूज़ करना आप ज़रूर ट्राई करें एंड देन अब इसमें जो मैरिनेटेड चिकन था मैंने वो डाल दिया टेन मिनट्स के लिए अब मैं इसको ढक के रख दूँगी ताकि चिकन अपना पानी छोड़ दे एंड उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी एक से दो गिलास पानी जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से तो हमें ग्रेवी ज़्यादा चाहिए थी तो इसलिए मैंने इसमें दो गिलास पानी ऐड किया और ये अच्छे से कुक हो गया मैंने इसे आधा घंटे के लिए छोड़ दिया था ये अच्छे से कुक हो गया ये आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं एक किचन हैक शेयर करूँगी तो जैसे कि विंटर्स हैं तो ऑयल और घी जम जाता है और ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो जाता है हमारे यहाँ पे बहुत होता है तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया एंड नींबू का स्लाइस रखा नींबू इसलिए रख रही हो ताकि ताकि अच्छी फ्रेग्रेंस आए एंड गर्म पानी इसलिए पोर कर रही हो ताकि तो अंदर जितना भी ऑयल और घी जमा हुआ है वो सारा वॉश आउट हो जाए तो आप ये वाली हैक डेफिनेटली ट्राई करना अगर आपके किचन में भी ड्रेनेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप ये हैक ज़रूर ट्राई करें इट इज़ रियली हेल्पफुल सो गाइज वी आर बैक फ्रॉम द मार्केट मैं और दीदी मार्केट चले गए थे मैंने बीच में ब्लॉग नहीं किया था ये आफ्टर टू थ्री डेज है तो मैं और दीदी गए थे कॉस्मेटिक की शॉपिंग करने के लिए तो हमने बहुत सारा स्टफ खरीदा था एंड हम बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं आई हैव अ लॉट ऑफ कॉस्मेटिक की चीज़ें मेरे सामने बिखरी हुई हैं तो दीदी ने जो चीज़ें ली हैं और मैंने ली हैं दोनों का तो मैं मिक्स ऑल करूँगी एंड कौन सी सी चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को रिकमेंड करने वाली हूँ जो आप डेफिनेटली खरीदें पहले आप हॉल वीडियो देखो उसके साथ साथ ही मैं बताती हूँ कि आप लोगों को कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए तो ये हमने मॉल से चीज़ें खरीदी हैं अगर इनका मुझे ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सो लेट्स तो ये है वो सारा पिटारा जो हमने कल बाय किया है फ्रॉम द शॉप तो एक एक कर मैं आपको दिखाती हूँ इससे पहले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ये वाला टोनर विच इज़ अ पिक्सी ग्लो टोनिक ये केमिकल स्क्रब है इच इज़ रियली रियली गुड तो नेक्स्ट है ये वाला uh, कलर बार का नेल रिमूवर एंड आई ऑल्सो हैव दिस सीके का आई शैडो दिस वन इज़ मे बीन आई लाइनर विच कम्स विद अ ब्रश ये है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा कूल लगी चीज़ दिस इज़ रियली कूल एंड हैंडी ये है पेपर सोप जो कि फ्रूटी फ्लेवर में आते हैं सो आई रियली लाइक दिस वन नेक्स्ट है ये पेपर सोप्स ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है एंड इट इज़ वेरी वेरी हैंवी ये मुझे मिला था कुछ बहुत ही अफोर्डेबल हाँ इट इज़ ओनली फॉर फिफ्टी फाइव रुपीज़ ये मुझे मिला है फिफ्टी रुपीज़ में एंड दिस इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट ये टेस्ट यू बॉटल में आता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं और ये चेरी फ्लेवर में है नेक्स्ट है ये तो दीदी ने ये नेल किट लिया है जिसमें पाउच है डिफरेंट डिफरेंट फाइलर्स हैं एंड नेल कटर भी है एंड ये बी एल सी सी का एंटी फेशियल किट ये बहुत अच्छी है एंड देन हमने ये एंड देन वी वॉट दीज शीतमास है एलोवेरा जेल और एक है पपाया देन वी वॉट लॉट्स ऑफ स्क्रंस ये मस्ट नीडेड गर्ल्स कैन अंडरस्टैंड देन ये है मस्कारा ये बहुत अच्छा है इतनी अच्छी फुलर लैश देता है आई रियली लव इट नेक्स्ट इज इज कलर बार सिंह मैथ लिप कलर ये एक न्यू लिपस्टिक है तो ये है कलरबार की लिपस्टिक विच इज इन द शेड जो कि है शेड नंबर है सेवनटीन शेड नंबर कॉर इट इज रियली पिटी कलर काफ़ी न्यू डिश एंड लुक एट द डिटेलिंग इस पर छोटे छोटे लिप्स बने हैं एंड दिस इज द एक्चुअल शेड एंड आई लव इट सो मुझे न्यू लिपस्टिक्स बहुत ज्यादा पसंद है तो आई जस्ट वॉट दिस वन इट हैज़ अ वेरी क्रीमी टेक्सचर इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा क्रीमी टेक्स्र है मैंने लगाया भी हुआ है इट अ प्लम्पली लुक सो so, ये वाली मैं आपको लोगों को रिकमेंड करूँगी uh, जो स्टोर uh, वाले uh, दीदी थी उन्होंने मुझे ये वाली uh, रिकमेंड की पतंजलि की मॉइस्चराइजिंग क्रीम ये ट्रस्ट ट्रस्टमी इतनी ज़्यादा अच्छी है ना एक्चुअली आई हैव अ ड्राई स्किन और ये इतनी ज़्यादा अच्छी है मैंने इसे यूज़ किया है इसमें फ्रेग्रेंस भी है और मॉइस्चराइजर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इट फुलफिल्स योर डिमांड नेक्स्ट दीदी ने ली है बहुत सारी ये पाउडर्स वन इज इस खाडी का आंवला रीठा एंड शिकाकाई थ्री इन वन पाउडर नीम पत्ती पाउडर वो भी खाड़ी का एंड वन इज दिस कमाल हिस्किस पाउडर तो बेसिकली वो बहुत से डियावाइज करते हैं ये पाउडर फॉर्म में होते हैं इसको पानी में मिक्स करना होता है तो, तो जब हेड वॉश करते हैं तब ये यूज़ करना होता है एज अ शैम्पू नेक्स्ट ये दीदी ने दिया है पेंडेंट और नेकलेस कह लो इसको फ्रॉम द ब्रांड एड्रिन एंड उसी का दीदी ने ये मेकअप पाउच भी लिया है बहुत अच्छा है इट इज ऑफ वेरी गुड नेक्स्ट में लिया है नीविया का बॉडी वॉश विच इज द फ्लेवर लिली ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है डेफिनेटली ट्राई दिस एंड वी ऑल्सो अब दिज टू परफ्यूम्स वन इज दिस इज ब्रिलियंट एंड स्टार्ज ये लिली फ्लेवर में है और ये मीनीसो का है दूसरा है स्टूडियो वेस्ट का वाइट लिली मुझे बहुत अच्छी लगी ये फ्रेगरेंस दोनों की फ्रेगरेंस आई रियली लव बोथ ऑफ दी शेज ये एवरी डे बेसिस के लिए और ये पार्टी वेयर है सो so, ये ऐसे कुछ आएगा ये पॉकेट फ्रेंडली है एंड आई रेली लव द फ्रेगनेंस यू एंड लुक हाउ क्यूट इज लुकिंग सो बाई दई आज हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ वापस एंड रुहानस को मैंने इसे बिठायाज़ लुकिंग सो क्यूट वे हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ वापस तो मैं उसी की पैकिंग कर रही हूँ यहाँ पे सो वी आर बैक होम एंड होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो और जो मैंने आप लोगों के साथ टिप्स आज शेयर की वो आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली इस्तेमाल करें इंप्लीमेंट करें आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा थर्ड uh, डे है एंड अभी तक मेरे फेस पे ग्लो है जो मैंने फेस पैक आप लोगों के साथ शेयर किया उसको आप जरूर ट्राई करें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा हंड्रेड परसेंट रिजल्ट है इंस्टेंट मिलेगा पार्टीज में जाने से पहले अगर आपके पास अगर आप सलोन्स जाना पसंद नहीं करते आपके पास टाइम भी नहीं है तो आप ये वाला uh, जो फेस uh, पैक है जरूर यूज़ करें हंड्रेड परसेंट रिजल्ट है ट्रस्ट मी सो so, मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ चिल्ड्रेन टेक केयर बाय